ठीक है, मेथड नंबर टू पे आते हैं फिर अपन, है ना। ठीक है, है ना। ठीक है, देखो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन भाई देखो इस तरह से अपन ने कुछ करा था ना, इस तरह के क्वेश्चंस करे थे कि चार चार्ज पार्टिकल्स को हम कॉर्नर पे रख देते थे, है ना। ठीक है, या फिर तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती थी ना, तो हम किस तरह से करते थे इसको, एन यू वन बाय टू, है ना। अगर चारों मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर सारे के सारे बिल्कुल सिमेट्रिकली रखे गए हैं ना, अगर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकली रखे गए हैं तो हम क्या करते थे, किसी एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती थी, एन यू नहीं होती थी, एन यू बाई टू होती थी। बाई टू क्यों करते थे, क्योंकि हर एक दो बार काउंट हो रहा है, ये याद है क्या। अच्छा अब एक चीज सोचो, यहाँ पर भी जितने चार्ज पार्टिकल हैं क्या सारे सिमेट्रिक नहीं है। मैं अगर यहाँ पर कोई डी क्यू मान लूँ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस डी क्यू की, वही पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, इधर पे जो डी क्यू होगा इधर पे डी क्यू होगा, इधर पे डी क्यू होगा, इधर पे डी क्यू होगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं हर एक डी क्यू की सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे जो डी क्यू है डी क्यू से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डी यू है, से टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, एन, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एन डी यू बाय टू। ठीक है, तो अच्छा इसकी एनर्जी कितनी होगी बताओ, इस डी यू की एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा चार्ज पार्टिकल मान लो डी क्यू, टोटल चार्ज मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है, कैपिटल क्यू, और यहाँ पे छोटा सा चार्ज पार्टिकल कितना है, डी क्यू। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल सबसे पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज पार्टिकल की, डी यू इक्वल टू वी डी क्यू। ठीक है, नहीं, वी डी कैपिटल क्यू। ठीक है, अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेंट डी यू इंटीग्रेंट वी डी क्यू, ये मेरे को क्या देगा, ये डी यू ने मुझे क्या दिया, इस छोटे से चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे जो छोटा सा एलिमेंट मैंने माना इसकी पोटेंशियल एनर्जी बाकी सारे चार्जेस के कारण। अब इसको मैं पूरे स्फेरिकल सरफेस पे इंटीग्रेट कर दूंगा तो हर एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी और ऐड हो जाएगी, तो क्या ये मुझे टोटल सिस्टम की एनर्जी दे रहा है क्या, मुझे ये बताओ। बाय टू, अब ये बाय टू क्यों करना है ये सोचो तुम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में लिख सकता हूं हाफ इंटीग्रेंट वी डी क्यू। सोचना हाफ क्यों आया, जैसे वहां पे हुआ था ना, जब तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो तुमने इसके कारण लिखी ना, जब तुम इसकी लिख रहे थे तो तुमने इसके कारण लिखी, तो इसमें ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की होती है ना, उन दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी दो बार काउंट हो गई, सेम चीज यहाँ पे हो गया। तुमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबके कारण लिखी, फिर तुम यहाँ पे गए, फिर इसकी सबके कारण लिखी, तो सारे दो दो बार काउंट हो गए ना, तो हाफ करना पड़ा ना मुझे, पीएनसी पढ़ लिया ना, तो बस फिर तो बहुत आसान है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से कितना आसान हो गया। ठीक, तो निकाल लेते फिर यहाँ पे अपन पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम क्या हो जाएगी, हाफ इंटीग्रेंट वी, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे पूरा टोटल, इस बार पूरा का पूरा चार्ज है ऑलरेडी, इस बार उस पूरे के पूरे चार्ज का तुम थोड़ा थोड़ा पार्ट कंसीडर कर रहे हो, पिछली बार अपन लेके आ रहे थे, देखो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इस बार हम प्रॉब्लम को। तो इस पूरे चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, आर इज कॉन्स्टेंट, इंटू डी क्यू, क्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, कैपिटल क्यू। अच्छा पोटेंशियल तो कॉन्स्टेंट है ना, देखो सबसे पहले तो पोटेंशियल यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो पोटेंशियल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेंट डी क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम क्या हो गया, पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर एंड इंटीग्रेंट डी क्यू इज क्यू, तो कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2R। सेम क्वेश्चन हमने बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट से सॉल्व करा है इस बार। ये तरीका कब काम आएंगे, कब लगाते हैं इस तरीके, जब सारे चार्जेस
बिल्कुल सिमेट्रिक हो, वरना नहीं लगाओगे ना।